अबे आलसी जल्दी वीडियो ला। नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के बारे में। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें ऑलरेडी पता है इसके बारे में, पर फिर भी ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि हाँ क्यों मैं तुम्हें वही चीज़ बताऊँ जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो पे बैक वार ही एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें व्हाइट बियर्ड पायरेट्स भी कवर हो जाएंगे। एंड जिन लोगों को ब्लैक बियर्ड पायरेट्स पे वीडियो चाहिए थी, तो यार अगली वीडियो उसी पे आ रही है, तो यार बने रहो मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड नाउ विद दैट सेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात किसके बारे में कर रहे हैं, ये पे बैक वार है क्या? अगर तुम्हें नहीं पता कि पे बैक वार क्या होता है, तो फिर पैरामाउंट वार हारने के बाद जब व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का क्लैश ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के साथ होता है, तो फिर इस वार को पे बैक वार कहा गया है। हाँ, हो सकता है कि तुम इसे ग्रज वार के नाम से जानते हो, क्योंकि कहीं कहीं पर इसे ग्रज वार भी कहा गया है। हालांकि ज़्यादातर जगहों में इसे पे बैक वार ही कहा गया है, तो फिर मैं भी इसे पे बैक वार ही कहने वाला हूँ। नाउ देन, वैसे तो वन पीस वर्ल्ड में बहुत से ऑफ वार है और पे बैक वार भी उनमें से एक है, पर लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि पे बैक वार क्यों स्टार्ट हुआ था। अगर तुम सोच रहे हो कि मार्को ने अपने कैप्टन और अपने कमांडर्स का रिवेंज लेने के लिए ब्लैक बियर्ड पायरेट से पंगा ले लिया था, तो मेरे भाई तुम बिल्कुल गलत हो। वैसे अगर देखा जाए तो तुम लोग पूरी तरह गलत नहीं हो, यह असल में आधा सच है। और जो एक्चुअल रीज़न है, उसे समझने के लिए हमें व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के पास्ट को दोबारा देखना होगा। एडवर्ड न्यूगेट, जिसको आज हम लोग व्हाइट बियर्ड के नाम से जानते हैं, वह अपना चाइल्डहुड एक स्फिंक्स नाम के आइलैंड में बिताया था। एंड मोर स्पेशली, वह एक ऑर्फन था, यानी कि वह काफ़ी गरीब था और ना ही उसके पास कोई दोस्त और ना ही कोई फैमिली थी। एक्चुअली उस आइलैंड में सारे लोग ही ऑर्फन्स थे और वो लोग काफ़ी गरीब भी थे, और यही वो रीज़न है कि स्फिंक्स आइलैंड कभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट का एलाई नहीं बन पाया, क्योंकि वो लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट को पे कर सके, ताकि वो लोग उनको पायरेट से बचा सके। अब आगे जाकर न्यूगेट एक काफ़ी फेमस पायरेट बनता है और वह अपना एक नाम बना लेता है, व्हाइट बियर्ड। अब क्योंकि उसको अपने होम टाउन से काफ़ी प्यार था, और वह ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उस सिचुएशन से लोग दोबारा गुजरें जो कि वह अपने चाइल्डहुड में सह चुका था, और इसी वजह से वह वहाँ के लोगों की हेल्प करता है। फन फैक्ट, व्हाइट बियर्ड अपने राइवल गोल्डी रॉजर से सरप्राइजिंगली 2.3 ईयर्स छोटा था। अब व्हाइट बियर्ड एक और ऑर्फन से मिलता है, जो कि उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसको अपने क्रू में आने दे। एंड गेस व्हाट, हिज नेम इज मार्शल डी टीच। टीच को एक सर्टेन डेविल फ्रूट की तलाश थी, जिसको हम लोग आज यामी यामी नोमी के नाम से जानते हैं। और जब क्रू को वह डेविल फ्रूट मिल जाता है, तब टीच अपने ही फोर्थ डिवीजन कमांडर टैच का मर्डर कर देता है इन ऑर्डर टू गेन दैट डेविल फ्रूट, और वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर टीच अपना एक नाम बना लेता है, ब्लैक बियर्ड। अरे यार फिर से वही, अब तुम्हें आगे की स्टोरी तो पता ही है कि किस तरह से एस ब्लैक बियर्ड के पीछे पड़ जाता है। दोनों के बीच क्लैश होता है, ब्लैक बियर्ड एस को मरीन्स को दे देता है, जिसके रिजल्ट में होता है पैरामाउंट वार, रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ एस एंड व्हाइट बियर्ड, रिजल्टिंग इन 2 ईयर्स टाइम स्केल। अब वार हारने के बाद मार्को को ऑफकोर्स रिवेंज लेना था, पर अपने कैप्टन और अपने कमांडर को खोने के बाद वो लोग ऐसे सिचुएशन में थे ही नहीं कि वो लोग एक और बैटल झेल सके, और इसीलिए उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो कम से कम अपने कैप्टन के उन चीज़ों को बचा सके, उन आइलैंड्स को बचा सके जिसके लिए वो इतनी केयर करते थे। एंड ऑन दी अदर हैंड, ब्लैक बियर्ड उन आइलैंड्स पर कब्जा करना चाहता था जो कि व्हाइट बियर्ड की थी, रिजल्टिंग इन पे बैक वार। अब हम लोग को ये पता है कि ये वार क्यों हुई थी, अब बात करते हैं इस वार का रिजल्ट क्या था। नाउ एज वी नो, व्हाइट बियर्ड के 43 एलाइड क्रूज थे। हाँ, हो सकता है कि वो लोग ना आए हों, पर जहाँ तक मेरा मानना है, वो लोग व्हाइट बियर्ड के साथ काफ़ी लॉयल थे, और जो कोई भी लड़ने के कंडीशन में होगा वो लोग पक्का ज्वाइन किए होंगे। लेकिन अगर वो लोग नहीं भी आए होंगे, तब भी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स में टोटल 1617 मेंबर्स हैं, जो कि एक आर्मी के बराबर है। हालांकि इन सब के बावजूद भी वो लोग हार जाते हैं।
सही में इनके लिए बुरा लग रहा है। पर क्या सही में ब्लैक बियर्ड पायरेट्स इतने स्ट्रॉन्ग थे? अकॉर्डिंग टू मार्को, ब्लैक बियर्ड का दूसरा डेविल फ्रूट गुरा गुरा नूमी उनके ऊपर भारी पड़ता है। हमें ये काफी अच्छे से पता है कि वह डेविल फ्रूट काफी डिस्ट्रक्शन कर सकता है, और यही वो रीजन है कि वाइट बियर्ड उस डेविल फ्रूट को अपने फुल पोटेंशियल में यूज नहीं करता था, क्योंकि उसको ये पता था कि सामने वाले ओपोनेंट के साथ ही साथ वो अपने एलाई को भी चोट पहुंचा सकता है। पर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ब्लैक बियर्ड के बारे में, और क्या वो अपने क्रू मेंबर्स के ऊपर अटैक कर सकता है? मेरे ख्याल से वो इतना पागल तो नहीं है कि वो अपने ही क्रू मेंबर्स को चोट पहुँचाए, क्योंकि एट द एंड यहाँ पे उसका ही घाटा होगा। तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि ब्लैक बियर्ड अपने डेविल फ्रूट को फुल पोटेंशियल में यूज़ किया था, और यही वो रीज़न है कि वो पे बैक वार जीत जाता है? हाँ, शायद यही वो रीज़न हो सकता है। तो क्या वो अपने क्रू मेंबर्स को चोट पहुंचाया था? खैर, हम लोग को ये नहीं पता कि वो उनके पास भी थे या नहीं। हो सकता है कि वो लोग काफ़ी दूर हो और ब्लैक बियर्ड अकेला ही लड़ रहा हो। ज़रा एक मिनट, शायद लूफी गुरा गुरा नूमी के अटैक से बच सकता है अगर वो अपने डेविल फ्रूट को अवेकन कर लेता है काटाकुरी और डोफ्लामिंगो की तरह, और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को रबर में बदल देता है। तब शायद वो गुरा गुरा नूमी से प्रोड्यूस हुए शॉकवेव को काउंटर कर सकता है। शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। मेरे ख्याल से ये मेरी अगली वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ओह शिट, मेरी अगली वीडियो तो ब्लैक बियर्ड पे है। एनीवे, कमिंग बैक टू पे बैक वार, हमें पता है कि वाइट बियर्ड पायरेट्स वो वार हार जाते हैं, पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह थी कि ब्लैक बियर्ड स्फिंक्स आइलैंड में कब्जा नहीं करता है। क्या ब्लैक बियर्ड उस आइलैंड को भूल गया या फिर उसका मूड बदल गया? मुझे नहीं पता। फिलहाल मुझे बस इतना ही पता है कि मेरे कमरे में काफ़ी गर्मी हो रही है, मतलब इतनी गर्मी हो रही है कि मैं बिना शर्ट के वीडियो बना रहा हूँ, और यार मैं पंखा भी नहीं चला सकता रिकॉर्डिंग के वक्त, और यार इतना पसीना आ रहा है ना मुझे, मतलब शायद बाल्टी भर जाए उस पसीने से। खैर, कहने का तात्पर्य यही है कि इस वीडियो को लाने में काफ़ी कम मेहनत लगी है, इतनी सी मेहनत लगी है। तो यार लाइक करना तो बनता है ना, और यार लाइक के साथ शेयर भी कर देना तुम्हारे जो भी लोग वन पीस देखते हैं, तुम्हारे दोस्त परिवार जो भी वन पीस देखते हो, परिवार शायद नहीं देखते होंगे पर फिर भी शेयर कर देना। एंड यार मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करोगे तो यार मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ चलो नेक्स्ट वीडियो डालते हैं, मज़ा आएगा तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने में। तो यार वो चीज़ तुम लोग नहीं कर रहे हो, यार कमेंट क्या करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।